हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे एक अति महत्वपूर्ण गौड़ीय वैष्णव आचार्य के विषय में, जिनका नाम है शिला भक्ति विनोद ठाकुर। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का जन्म 1838 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के बीरनगर नामक ग्राम में हुआ, और ये बचपन से ही काफ़ी बुद्धिमान थे और अपने विद्यालय में भी काफ़ी मेधावी छात्र ये हुए, एवं 6 वर्ष की आयु में इन्होंने श्रीमद् भागवतम एवं श्री महाभारत इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। और जब ये 12 वर्ष के हुए तो इनके एक चाचा जी, जो कि एक समाचार पत्र के अंदर संपादक थे, उनको भी उनकी लेखनी में उनके साथ ये सहयोग करने लगे, एवं वहीं से इन्होंने कुछ बंगाली में एवं अंग्रेजी में कुछ साहित्य लिखना भी इन्होंने आरंभ कर दिया। तभी से इनको साहित्य लिखने की बड़ी उत्कंठा थी, एवं कुछ जब ये बड़े हुए 18 वर्ष की आयु में, तो अपने गांव से बाहर जाके कलकत्ता में इन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से अपनी पढ़ाई इन्होंने पूरी की। एवं जब ये अपने घर लौट के आए बीरनगर ग्राम में, तो ये देखते हैं कि वहां एक बीमारी के कारण एक सारा जो गांव था वो बंजर हो गया था। बहुत सारे इनके परिवार वालों की भी मृत्यु हो गई थी, और इनके परिवार में भी मात्र 2 ही लोग बचे थे, एक इनकी माता जी एवं दूसरी इनकी दादी जी। और फिर ये अपनी माता और दादी को लेके कलकत्ता वापस आ गए और वहीं रहने लगे। और कुछ समय बाद इनके दादाजी और दादी की इच्छा थी कि हम तीर्थ यात्रा पे जाएं, तो अब दादाजी तो नहीं थे, किंतु अपनी दादी और माता को लेके ये उड़ीसा गए, और वहाँ पे अनेक तीर्थों में इन्होंने जो है दर्शन किया, एवं जगन्नाथपुरी भी ये गए। और वहाँ जाने के पश्चात इनको कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि मेरे को व्यापार नहीं करना है, मैं नौकरी करूँगा। और यही विचार के साथ इन्होंने एक स्कूल के अंदर, जो कि भद्रक में था, वहाँ पे इन्होंने नौकरी के लिए अपना इंटरव्यू दिया, और वहाँ पे इनको एक अध्यापक के रूप में रख लिया गया। और अध्यापक रहते हुए इनका प्रदर्शन इतना अच्छा था कि वहाँ के जो प्रबंधक थे उन्होंने इनको प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया। आप सोचिए किस तरह से ये व्यक्ति थे कि इतने कम समय में इनको प्रधानाचार्य बना दिया गया। और फिर उसके पश्चात इन्होंने अपनी नौकरी करते हुए ही अध्यापक के रूप में बच्चों को पढ़ाते हुए सिखाते हुए इन्होंने एक परीक्षा दी, जो कि सरकारी नौकरी के लिए थी, और उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और वहाँ का इनको डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। एक अंग्रेजी सरकार में आप सोचिए, एक भारतीय व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा पद था ये डिप्टी कलेक्टर का पद, जिसको जिलाधिकारी भी कहा जाता है। और जिलाधिकारी रहते हुए इन्होंने अनेक कार्य किए, और इन्होंने देखा कि जो सरकारी विभाग थे उस समय भी, आप सोचिए 1800 की बात कर रहे हैं हम, 1800 ईस्वी की, और तब भी भ्रष्टाचार बहुत था सरकारी विभागों में। और सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार को देखते हुए इन्होंने कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की, जो कि भ्रष्टाचार पे थोड़ा सा लगाम लगाएं और भ्रष्टाचार को कम करने में सहयोग करें। इसी प्रकार से अनेक जिलों में इनका स्थानांतरण होता रहा, और एक बार की बात है, जब इनका स्थानांतरण चंपारण जगह पे हुआ, तो वहाँ एक पेड़ था जिसको लोग भूतिया पेड़ कहते थे, क्योंकि उस वृक्ष पे ऐसा माना जाता था कि भूत रहते हैं, भूत निवास करते हैं। और जो राहगीर होते थे, वो बहुत आम रास्ता था, और राहगीर बड़ा डरा करते थे उस पेड़ से। और उस वृक्ष के कारण होता क्या था कि कोई भी जो राहगीर होता था या गांव का जो निवासी था, वो उसके नीचे से जा नहीं पाता था, और इसकी वजह से जो आम रास्ता था रात के समय उसको बंद करना पड़ता था। तो सभी लोग बहुत चिंतित थे, और ये बात शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी को पता चली, तो उन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया और उसको बोला कि तुम प्रतिदिन इस वृक्ष के नीचे बैठ कर श्रीमद् भागवतम का पाठ करोगे। और जब उन्होंने ऐसा किया, तो ऐसा बताया जाता है कि एक महीने के पश्चात ही वो पेड़ जो था वो सूख गया और वो गिर पड़ा, तो सभी जो वहाँ के निवासी थे वो अत्यंत प्रसन्न हुए। और इसी प्रकार से स्थानांतरण के दौरान ही इनकी जो नौकरी थी वो उड़ीसा में चली गई, और उड़ीसा में
जगन्नाथपुरी में इनको जिलाधिकारी बनाया गया। और क्योंकि ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे तो जगन्नाथपुरी का प्रबंधक भी इनको बनाया गया। और चूँकि ये एक सरकारी पद पे थे, उस पद की शक्तियों का उपयोग करते हुए इन्होंने श्री जगन्नाथ जी की जो पूजा अर्चना का जो समय था उसको नियमित करने में इन्होंने बहुत वहाँ पे सहायता की। और वहाँ पे एक पंडाल भी इनके द्वारा बनवाया गया जिसके अंदर प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम, श्री भगवद गीता पे प्रवचन हो सकें। तो इस प्रकार से इनका जीवन बहुत अच्छा चला और इनको उड़ीसा के अंदर ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि इनका चौथा पुत्र था, उनका नाम इन्होंने रखा विमला प्रसाद। और जो ये विमला प्रसाद हैं ये ही आगे चल के श्री कृष्ण कृपा मूर्ति शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए और किस तरह से उनका पालन पोषण किया कि इतने महान वैष्णव को इन्होंने जन्म दिया। तो उड़ीसा में रहते हुए ही इन्होंने अनेकानेक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा और श्री चैतन्य चरितामृत का अनेकानेक बार अध्ययन किया और इनको बहुत गाढ़ श्रद्धा हो गई श्री चैतन्य महाप्रभु में। किंतु विशेष बात ये थी कि ये वो समय था जब श्री चैतन्य महाप्रभु को गए हुए लगभग 300 से 350 वर्ष हो चुके थे और जो उनके तथाकथित अनुयायी थे उन्होंने इतना निकृष्ट स्तर पे कृष्ण भक्ति को ला दिया था कि जो आम जनता थी, जो आम परिवार थे, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। क्योंकि वो भगवान के नामों का जप तो करते थे, भगवान के नामों का कीर्तन करते थे, किंतु वैदिक शास्त्रों में जितने भी निषिद्ध कर्म हैं उन सब कर्मों को भी वो किया करते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा उनसे चलती हुई आ रही थी वो लगभग खिन भिन हो गई थी और कोई भी गौड़ीय वैष्णव भक्तों को पसंद नहीं करता था। और ये बात श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इन्होंने इस पे भी कार्य करना आरंभ किया। इन्होंने अनेकानेक शास्त्रों का अध्ययन किया और जितने भी गौड़ीय वैष्णव आचार्य थे उनकी जो टीकाएं थीं वैदिक ग्रंथों के ऊपर, उन टीकाओं को इन्होंने गंभीर रूप से अध्ययन किया। और उसके बाद इन्होंने जितने भी अपसंप्रदाय थे जिनको सहजिया कहा जाता है, आउल बाउल, इस तरीके से अनेकानेक ऐसे अपसंप्रदाय आरंभ हो गए थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को एक गलत ढंग से पेश करते थे, गलत ढंग से उसका अनुगमन कर रहे थे। तो उन सभी जितने भी अपसंप्रदाय थे उनका पुरजोर विरोध श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा किया गया और ये उस विरोध में सफल भी हुए और लोगों ने इनका साथ दिया। और आज हम देखते हैं कि देश विदेश में इतने सारे गौड़ीय वैष्णव भक्त हैं और ऊधपूर्ण तिलक लगा के, गले में कंठी पहन के, हाथ में जप माला लेके वो जप कर रहे हैं, भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं। तो इसके अंदर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस वर्ष के अंदर श्रील प्रभुपाद जी का, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनका जन्म हुआ उसी वर्ष के अंदर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक पुस्तक लिखी जो कि अंग्रेजी में थी और उसका विषय था श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जितने भी संगी थे उनके विषय में ये पुस्तक लिखी गई थी और इन्होंने उसको ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर भेजा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो भार, ये हरे कृष्णा मूवमेंट जो निकल के आया, हरे कृष्णा आंदोलन, ये इसके अंदर बीज रोपण का जो कार्य किया गया है वो वास्तव में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा ही किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर योगदान की बात की जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान था, सब जानते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जो है इनका जन्म हुआ नदिया में, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि वो स्थान है किधर। वो जो नीम के पेड़ के बारे में बताया गया है श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर, तो वो जगह किसी को पता नहीं थी कि असल में जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस जगह पे हुआ। तो स्थानांतरण के दौरान ही ये कृष्ण नगर करके एक जगह है, वहाँ पे इनकी नौकरी थी और वहीं ये निवास किया करते थे। तो इनको पता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म यहीं कहीं आसपास हुआ है,
तो इन्होंने बहुत प्रयास किए कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान ये खोज पाएँ। और इन्हीं प्रयासों के दौरान ये एक बार अपनी छत पे खड़े थे और वहाँ से इनको एक वृक्ष दिखाई दिया, और उस वृक्ष को जब इन्होंने देखा तो इनको एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति हुई। और फिर ये उस वृक्ष के पास गए और सभी पुराने जो नदियों के नक्शे थे, नवदीप मंडल परिक्रमा के जो ग्रंथ थे एवं जितने भी पुराने और ग्रंथ थे उन सबको इन्होंने मंगवाया, और वहाँ के जो बुजुर्ग थे उनके साथ बैठ के उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद ये निश्चय किया गया कि ये जो वृक्ष है इसी के नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। और इसी में आगे इसको प्रमाणित करने के लिए उस समय के एक वरिष्ठ गौड़ीय वैष्णवाचार्य को वहाँ पे बुलाया गया, और उन्होंने भी आके इस बात को प्रमाणित किया कि इस ही वृक्ष के नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। और इसी प्रकार से वहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा सभी लोगों को एकत्रित करके उनसे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा धन लेके, जिससे कि सभी का धन भगवान की सेवा में लग सके, उन्होंने वहाँ पे एक मंदिर निर्माण करवाया। और एक बार बताते हैं कि वो अपनी खिड़की में से देख रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को, और वो देखते हैं कि बहुत बहुत अलग अलग देशों से आके, अलग अलग जगहों से भक्त आके, विदेशी भक्त हैं, कुछ जो है भारतीय भक्त हैं, वो सभी भगवान चैतन्य महाप्रभु का नामों का जोर जोर से उच्चारण कर रहे हैं, गौर हरि कह के नाच रहे हैं और कीर्तन हो रहा है। तो वास्तव में ये इन्हीं की दूरदृष्टि थी जो हम आज देखते हैं। मायापुर में इतना सुंदर मंदिर है, वहाँ पे अनेक अनेक विदेशी भक्त और भारतीय भक्त आते हैं और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के नामों का उच्चारण करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, और बहुत अच्छे से वहाँ पर भक्ति हो रही है। और इसी प्रकार से आगे चलते हुए इनका जब अंत समय था तो उड़ीसा में थे, पुरी के अंदर, और जगन्नाथपुरी में ही दोपहर से पहले का ये समय था, और इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान कृष्ण के धाम को इन्होंने प्राप्त किया। और उसके पश्चात इनके जो अंतिम अवशेष थे उनको चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पे लाया गया और वहीं पे उनको स्थापित किया गया। और इन्हीं की कृपा से आज भी अनेकानेक भक्त जाते हैं और उस स्थान का, श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का वहाँ पे दर्शन प्राप्त करते हैं। और बड़ी विशेष बात जो हम इनके जीवन से सीख सकते हैं, खासकर हम देखते हैं कि आज का जो समय है उसके अंदर गृहस्थ भक्त अधिकाधिक हो गए हैं, और गृहस्थों के लिए बड़ा एक दुविधा महसूस करते हैं गृहस्थ भक्ति, हम भक्ति कैसे करें, हम तो गृहस्थ हैं, हमारे पत्नी है, बच्चे हैं, हमको समाज को भी देख के चलना है और नौकरी करते हैं, तो उसके अंदर समन्वय बिठाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन से हम सीख सकते हैं कि इन्होंने इतने बड़े पद पर रहते हुए, जिसके अंदर अनेक अनेक सेवाएं होती थी, पूरा जिले को इनको देखना होता था, जिलाधिकारी थे, तो उसके बाद भी 10 इनके जो है बच्चे थे, उन बच्चों के साथ पत्नी के साथ रहते हुए भी इतने शुद्ध भक्ति ये कर पाए। और हम आज इनकी शिक्षाओं को पालन करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को इन्होंने इस रूप में प्रस्तुत किया कि सभी भक्त आसानी से उसका पालन कर पाएँ। तो ये हमें सीखना चाहिए इनके जीवन से। ये अपने 24 घंटे को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें से 8 घंटे तो ये अपने कार्यालय में देते थे, अपने जो इनका नौकरी थी उसमें अपना 8 घंटे का समय देते थे, और 8 घंटे ये अपनी साधना में और ग्रंथ लेखन इत्यादि में दिया करते थे, और 8 घंटा शरीर के लिए, उसके अंदर सोना, खाना और नहाना इत्यादि जो नित्य कर्म हैं उनके अंदर ये दिया करते थे। और हम देखते हैं कि इतना इतना व्यस्त इनका जीवन था, उसमें भी इन्होंने अनेक अनेक ग्रंथ हम वैष्णवों के लिए दिए, वैष्णव ग्रंथ दिए हम भक्तों के लिए, जिनमें से कुछ जैसे शरणागति है और भक्ति तत्व विवेक, भजन रहस्य एवं जैव धर्म, ये इत्यादि प्रमुख जो इन्होंने पुस्तकें लिखी और ग्रंथ लिखे वो आज भी गौड़ीय वैष्णव समाज के अंदर भक्तों का उद्धार कर रहे हैं, भक्त उनको पढ़ते हैं और उनके अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं। तो ऐसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी से हम करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इसी प्रकार से जैसे उन्होंने भक्ति करी उसी प्रकार का साहस हमें भी प्रदान करें और बुद्धि दें, जिससे कि हम भी उस प्रकार से भक्ति कर सकें। हरे कृष्णा।
शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय।